सब सबको बहुत कुछ आज ज्ञान आपने दे के आया, आपने काफी कुछ शेयर किया, बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट मैं अभी वही बात कर रहा था कि ये इतना कैंडिड कॉन्वर्जेशन था राजीव मसंद सर के साथ एंड विद द होल ऑडियंस, और सब एस्पायरिंग एक्टर्स थे जिन्होंने जिनको यहाँ पे इंडस्ट्री का पार्ट होना है, अच्छा काम करना है, एंड दे आर पैशनेट अबाउट एक्टिंग एंड आई कुड रिलेट विद देम एंड दे कुड रिलेट विद मी। सो यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट बींग आउटसाइड द इंडस्ट्री एंड कमिंग हेयर एंड हाउ them having no connections and how to, you know, मतलब एक how to have a path और कैसे उसमें आगे बढ़ें और कैसे वो, तो वो सारे interaction में बहुत मज़ा आया। I think अपने खुद के experiences share करने में मज़ा आया, राजीव सर के भी questions थे, सब बहुत fun and candid way में ये पूरा interaction हुआ दैनिक जागरण फिल्म फेस्टिवल में। मैं शाहरुख सर की जर्नी से बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ हमेशा से, एंड आई थिंक मैं ऑफकोर्स जैसे कि ये एक्टर्स एस्पायरिंग एक्टर्स जो आज जिनके साथ सबके साथ इंट्रैक्शन किया उसमें मुझे काफ़ी एक अगेन एक इंस्पायरिंग मोमेंट भी था कि आई कुड हैव अ वर्ड विद देम, टॉक टू देम अबाउट माई ओन जर्नी एज वेल, तो वो एक और आगे बढ़ने के लिए खुद के लिए भी एक इंस्पायरिंग मोमेंट होता है कि और अच्छा करूँ, एंड आई रियली एंजॉयड इंटरेक्टिंग विद देम, आई एम रियली ग्लैड। I am really happy and I'm really excited and I'm really looking forward to the shoot of Bhulbhulaiyaa 2. It's something which is again commercial masi and I really wanted to do something like that which I'm doing in Bhulbhulaiyaa. Imtiaz sir's film has it's something which has changed everything for me and it's something which I'm really looking forward to because it has the process has in itself changed a lot of my point of view in life and in life as well as my point of view towards acting, so I'm really looking forward. Okay, so Pani Jalal Shiva sir, aapka bhi jaisa bahut special rishta hai aapka, नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है मुझे जागरण। मैं अभी कह रहा था कि 2015 में जब मसान रिलीज़ हुई थी तो रिलीज़ से पहले जागरण फिल्म फेस्टिवल के थ्रू जो पहली स्क्रीनिंग हुई थी वो था सिटी फोर्ट इन दिल्ली, एंड पहली बार जो हमें एक भारतीय ऑडियंस ने देखा था हमारी फिल्म को, हमारे काम को, वो थ्रू जागरण फिल्म फेस्टिवल। जो पहला अवार्ड मुझे मेरी एक्टिंग के लिए मिला है वो जागरण फिल्म फेस्टिवल दैट वेरी ईयर। सो बहुत बहुत स्पेशल है मेरे लिए JFF, और 10 साल हो चुके हैं, 10 ग्लोरियस साल हो चुके हैं, और तब से लेके पिछले साल या पिछले टू पिछले साल भी मुझे हिस्सा बनना था, मुझे बुलाया गया था, बट शूटिंग के वजह से वो नहीं हो पा रहा था, एंड फाइनली इससे वो हो पाया। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। ओके विक्की सर, बहुत से ऐसे आज एक्टर्स और फाइनिंग आप इंस्पायर करते आए हैं, सो क्या एक ऐसे मैसेज देने वाले जो उनको इंस्पायर करेगा आगे जाकर? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि होप ना छोड़ें और मेहनत करते रहें, और मुझे जो एक चीज़ हेल्प की है बीइंग एन एक्टर जब मैं स्ट्रगल कर रहा था वो इस कि घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो और बेधड़क बेशर्मी से बोलो कि मुझे एक्टिंग करनी है। कई बार हम उसी से शर्मा जाते हैं, बट बेधड़की से अपने सपने को फॉलो करो। अरे ये तो मुझे लग रहा है कि कोई भी ऑनर बच्चन साहब को ऑनर करने के लिए वो हमेशा छोटा ही पड़ जाता है, हालांकि मतलब दादा साहब फाल्के के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड अबाउट टाइम कि उन्हें ये ऑनर मिले। सो वी वेरी हैप्पी। आई थिंक इस देश के सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, आज के ज़माने के एक्टर्स सबको एक हार्टफेल्ट थैंक यू बोलना चाहिए उन्हें फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस विद द काइंड ऑफ वर्क ही इज़ डन, एंड ही इज़ अ हीरो टू ऑल ऑफ अस। हाँ जी, वेरी डिजर्विंग इस साल की आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स ऑफ माइन, एंड वेरी गुड स्टोरी, लवली परफॉर्मेंसेज, एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट दे गेट दैट ट्रॉफी एंड इंडिया की एक टीम वहाँ पे स्टेज पे खड़ी हो। नहीं अच्छी बात है, हमारे ये अच्छी बात है कि इस देश में इतना सिनेमा बनता है, इतनी पिक्चरें बनती है कि एक दिन में 5-5, 6-6 फिल्में आती हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द मेकर्स ऑल्सो, बहुत अच्छी बात है। एंड सी इवेंचुअली तो ऑडियंस हमारी किंग है, हमारी क्वीन है, वो जो सिलेक्ट करना चाहे वो उनकी पसंद है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छा सिनेमा आता रहना चाहिए, एंड चाहे वो 2 अक्टूबर के अगले साल 2 साल है, मैं 2 पिक्चरें मैं तो कह रहा हूँ और 5-6 आ जाएँ,
और अच्छी फिल्में लोगों को देखने को मिले। भूत सॉरी भूत अच्छी आ रही है, अब 21 फरवरी को रिलीज हो रही है 2020 में। पिछले मतलब इस साल जो शुरुआत हुई थी मेरी अच्छी हुई थी उरी से, एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि अगले साल भी जो शुरुआत होगी फरवरी में भूत के साथ वो अच्छी होगी।